एंड माई फादर इज लाइक कि तेरे को डोसा खाना है कि नहीं खाना है. एंड आई नो व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग, मोटे को डोसा तो देखो खाना ही होगा, है ना. जो कि मुझे खाना था, बट देखो 10 रुपए पहली बार मिले थे लाइफ में, ऐसा नहीं मिलते नहीं थे, वो आते थे, वो रिश्तेदार देके जाते थे वो जिनके लिए हम लोग लेबरों की तरह काम करते थे पूरे दिन, और वो ऐसा सैलरी से 10 रुपए देके जाते थे कि ये लो बेटा चीज खाना, है ना. और वो ये 10 रुपए यहाँ से जेब में डालने में 1 सेकंड ही लगता है मैक्सिमम, बट उसमें से ना पीछे से मम्मी का ऐसा हाथ ऐसे आता था कि ये पैसे मेरे पास जमा करा दो, जब तुम्हारे को चाहिए होंगे तब ले लेना. ये तुम लोग ने कराया, किसने जमा कराया? मेक सम नॉइज. यस यस यस. अपनी माँ की कसम खा के बताओ किसको पैसा वापस मिला आज तक? नहीं मिला है ना यार. ये क्या स्कैम चला रही मम्मी है यार हमारे साथ. एक दिन मुझे माउजर लेनी थी, मैंने बोला मम्मी 100 रुपए देना, मम्मी बोला कौन से 100 रुपए, मैंने कहा अरे वो बचपन से लेके जो आज तक आपके पास जमा कराते आया हूं, उस 1 लाख रुपए में से 100 रुपए दे दो. तो मेरी मम्मी ने पैसे तो दे नहीं, बीटी दे दिया उल्टी मेरे को. कहती कि आज तक तुम्हें पालने पोसने में जितना पैसा खर्च हुआ पहले वो ला के दो, फिर 100 रुपए लेके जाना. तो मेरी माँ बच्चों के साथ बिजनेस कर रही है, क्या करो यार, समझ रहे हो. बट ऐसे देखे आते रिश्तेदार, लेकिन मेरे बाप ने दिए थे तो इट वॉज शॉकिंग फॉर मी. तो मैंने पहले पापा से पूछ लगी, लेकिन पापा 10 रुपए. पापा कहते कम है, एक काम पर 10 रुपए ले, 20 रुपए ले, 10 रुपए वाले 20 रुपए ले, अब अपने छोटे भाई को भी ले जा, दोनों भाई जाके डोसा खा के आओ. तो देखो मैं और मेरा भाई हम लोग गए दोनों बढ़िया कॉलोनी के बाहर, जाके आराम से डोसा वोसा खा के शाम को घर वापस लौटे हैं. तो आज ना हम लोग 3 भाई हैं. आई नो आधे लोगों को बातें समझ में नहीं आई है, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया था कि मेरा बाप 20 रुपए के डोसे पे 50 घर की प्रॉपर्टी में तीसरा दावेदार लेके आने वाला है.